दमोह जिले के बटियागढ़ तहसील क्षेत्र के किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले कई बिंदुओं और अतिवृष्टि के कारण हुई फसल नष्ट और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम बटियागढ़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के अनुसार अतिवृष्टि के कारण तहसील की उड़द सोयाबीन आदि की फसलों को क्षति पहुंची है, जिसका सर्वे कराकर बीमा क्लेम और RBC की धारा 64 के तहत मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। अभी हाल ही में ग्राम गुराटा के किसान स्वरूप सिंह लोधी ने उड़द की फसल खराब हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। उसे तत्काल बीमा क्लेम और मुआवजा की राशि दिलाए जाने की मांग भी की गई। इसके अलावा तमाम मांगें इस ज्ञापन में दी गई हैं। फतेहपुर को तहसील बनाए जाने की मांग भी यहां पर रखी गई है। इसके अलावा आवारा पशुओं के लिए अतिरिक्त गौशालाएं संचालित हैं, जिन्हें व्यवस्थित किए जाने की मांग भी की गई है। भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत जिला दमोह द्वारा सातों तहसीलों में एक साथ ये ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक तहसीलों में होता है और ये अपनी जो क्षेत्रीय समस्या हैं इनको लेकर ये ज्ञापन है। और इसमें जो उड़द की फसल ख़त्म हो गई है हमारे तहसील की, उसके लिए और जो अभी हाल ही में घुराटा ग्राम में एक अपने कृषक स्वरूप लोधी जी थे, उनने आत्महत्या कर ली है, उनका उड़द ख़त्म हो गया था। तो हम लोगों ने मांग की है कि उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए और उनको जो भी राहत राशि बनती है उनको तत्काल दी जाए। और भी दो सब स्टेशनों की हमने मांग की है और एक फतेहपुर को तहसील बनाने की भी मांग भारतीय किसान संघ द्वारा की गई है, क्योंकि वहाँ के कृषक आने में बहुत दूर पड़ता है, जिससे यहाँ उनको समस्याएँ होती हैं। तो इन सभी समस्याओं को लेकर यह ज्ञापन है भारतीय किसान संघ जिला मंत्री श्री राम ने। कितने % फसलों का नुकसान हुआ है? उड़द में अभी तक की स्थिति में 80% नुकसान हो गया है। 20% जो बाकी हैं तो अभी निरंतर 10 दिन और बारिश बता रहे हैं, तो 20% जो फसलें हैं वो भी नष्ट हो रही हैं। लोगों ने जो भारतीय किसान संघ के तत्व बैनर तले आज जो ज्ञापन दिया गया है, वो अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ अधिक बारिश हुई है उसके कारण से जो सोयाबीन की फसलें हैं, सोयाबीन की फसल में कुल मिलाकर 70% नुकसान हो गया है पानी ना गिरने की वजह से। और अब पानी गिरने की वजह से सोयाबीन की फसल में 80% नुकसान है। अभी हाल ही में एक बटियागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत घुराटा ग्राम करके आता है, वहाँ के एक स्वरूप सिंह लोधी हैं, जिन्होंने करीबन 13 एकड़ में उड़द बोया था, वो एकदम से पूरी तरह अधिक वर्षा होने के कारण उड़द नष्ट हो गया, उनने अपनी आत्महत्या कर ली। लोगों ने जो कि मुख्य रूप से हम लोगों की जो मांग थी, वर्तमान में इतनी बारिश अधिक बारिश के कारण जो उड़द था वह फसल आ गई थी। और यहाँ हमारे ग्राम घुराटा में एक किसान है, जो इतनी बारिश होने के कारण जो आई हुई उड़द की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, इस कारण से उस किसान ने आत्महत्या कर ली। तो उस विषय को लेकर कि पूरी उड़द की फसल ख़राब हो गई है, तो उस किसान को और क्षेत्र के समस्त किसानों के लिए उड़द का पूरा पैसा पूरी फसल का मुआवजा मिले।